Thanks to Chetan uncle for having me here. और मुझे पता नहीं है वास्तु के बारे में कुछ, और आज से जब पता चला है तो एक ही बात पता चली है कि वास्तु है तो सिर्फ पारंपरिक वास्तु है और कोई वास्तु नहीं है। और मुझे असम सरस्वती मिलने का मौका मिला, पहला मेरा सेमिनार वास्तु का। और मैं तो बोलती हूँ कि मेरे जैसे यंगस्टर्स को जो वास्तु करे या ना करे उनको ये इंफॉर्मेशन या ये ज्ञान लेने आना ही चाहिए, अगर वास्तु करना हो या ना करना हो तो ही हमारी आगे की पीढ़ी को कुछ अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो किसी के घर पे नहीं तो खुद के घर पे ही कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। क्या बात है। थैंक यू फर्स्ट चेतन सर एंड असम सर एंड तीन दिन जिन्होंने मेरा साथ दिया फलक में। मुझे कुछ पता नहीं था, और जब भी मुझे कोई क्वेरी क्वेश्चन आता था उनको मेरा फेस देख के ही समझ जाते थे कि हाँ ये उसको यहाँ पे, तो पहले वो मुझे सॉल्यूशन दे देते कि ये है। मैं आई तो मुझे फोर साइड, फिर बाद में एक साइड का पता चला, और अभी मुझे बेसिक मेरा क्लियर हो गया। तो और आगे मैं इसमें इंफॉर्मेशन आगे लेना चाहूंगी जरूरी, और जब भी असम सर आएंगे अहमदाबाद में या गुजरात में मैं उनसे जरूर मिलने चाहूंगी और इनका अटेंड करूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और थैंक यू यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट है उन्होंने मुझे बहुत अच्छा मुझे इंट्रोवर्ट किया, और मेरी सारी प्रॉब्लम सभी ने मेरे साथ शेयर की, और सुनने भी लगी। हाँ कैसा लगा एक रात अब शेरनी को अगर बकरी बना देंगे तो दो चार दिन तो तकलीफ रहेगा। तो दो चार दिन तकलीफ रहेगी ना, शेरनी को जो है सीधे बकरी बना देंगे तो ठीक है। सभी लोग बोलते हैं कि मैं लकी हूँ, तो जब भी मैं चेतन सर को मिली तो मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती थी कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। पर अभी मैं असलम सर को मिली तो मैं अपने आप को बहुत लकीस फील करती कि मेरे पास अभी एक नहीं दो दो गुरु है जो मुझे सही रास्ता पूरी गाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द ऑलवेज जो कि डबल एम ए है इंग्लिश से, टीचर है वहाँ पे, लेकिन मैच देखने यूपी से यहाँ आया है। आज सुबह ही पहुँचा, अभी गया मैच देखी। हाँ मैं डॉक्टर चेतन पटेल, साइकोथेरापिस्ट एंड वास्तु शास्त्री। पिछले साल कई मुश्किल से मुझे इनका कहीं से पता मिला और मैंने रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया, लेकिन कुछ होगा ऐसा तो करीबन 3 महीने तक मुझे इंतजार करना पड़ा आफ्टर रजिस्ट्रेशन, मौका नहीं मिला। नवंबर में शायद मुझे मिला वहाँ जाने का मौका मिला, गया क्लास किया। ऐसा तो मैं इस फील्ड में बरसों से हूँ, और जो भी मैंने सीखा है पारंपरिक ही करता हूँ और कुछ भी नहीं करता वास्तव में। ये सब दोस्त लोग जानते हैं, मेरे नैतिक भाई वो सब जानते हैं कि मैं पारंपरिक के अलावा और कुछ नहीं करता। फिर भी मेरे कुछ डाउट थे हेलिक्स के बारे में और दूसरा कुछ, तो हेलिक्स और ये सब जो भी मेरे डाउट्स थे वो क्लियर करने के लिए ही उनके पास गया था। और हुआ यूँ कि मुझे ऐसा पता चला वहाँ पर जाने के बाद कि भाई ये तो बहुत बड़े पुराने खिलाड़ी है, इसमें तो महागुरु है, और यहाँ तो गुरु घंटालों की टोली लगी हुई है। तो उसी दिन मैंने बोला कि सर आप अहमदाबाद आओ, आप अहमदाबाद आओ, आपकी वहाँ ज़रूरत है। लोग इधर उधर भटक रहे हैं, उनको सही दिशा की ज़रूरत है, बराबर। और मैं आप सबका भी बहुत आभारी हूँ कि आप सब मेरा सुन के या मेरी बात मान के भी आए, कुछ पा के जा रहे हो। अगर कहीं किसी को मैं बोल दिया हो, कुछ गलती हुई हो, तो मुझे माफ़ कर देना। अरे नहीं यार। और दूसरी बात कि वहाँ से आने के बाद फरवरी से लगा था उनके पीछे, करीबन देखते हैं अगले महीने करते हैं बाद में करते हैं, चलता गया
मई के एंड में हुआ, लेकिन हुआ सही। और ये भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये पिनाकिन भाई ने मुझे मोटिवेट नहीं किया तो उसका भी मैं बहुत आभारी हूँ। और आप सब यहाँ आए, आप लोगों ने जो ज्ञान दिया, आपको जो मैंने सही दिशा दिखाने में मैं निमित्त बना हूँ, इसके लिए मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत आभारी हूँ, गुरु जी का भी आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी बात सुन के यहाँ आने का कष्ट उठाया। और अभी एक बात बताऊँ कि अपनी तीन माता होती है, एक अपनी जगत जननी जिसने हमें जन्म दिया है, इस दुनिया का दर्शन करवाया है, दूसरी माता होती है अपनी नदी माता, नदी जो अपन पानी देती है, तीसरी होती है धरती माता, धरती माता जो हमें अन्न देती है। बराबर है। देखो पहले गुरु ने बताया था कि वास्तु ये साइंस है और वास्तु जमीन पे, जमीन से जुड़े सभी जीव मात्र पे लागू होता है, सही है। आज ये आप बताओ मुझे कि जितने भी जीव जंतु है, कुत्ता बिल्ली कुछ भी है, किसी की ये, किसी को जेब है, किसी को रुपये की वॉलेट की कुछ जरूरत है? क्या बात है, क्यों? वो भी खाते पीते हैं, मस्त रह के सोते हैं। सिर्फ आदमी को ही क्यों है? क्योंकि ये दिमाग है अपना। पानी जो फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी सृष्टि में रचना हुई, तीन चीज प्राइमरी स्टेज की थी हर एक के लिए, हवा पानी खोरा, तीनों ऊपर वाले ने मुफ्त में दिया था, लेकिन हमारे ये दिमाग ने पानी को बॉटल में बंद किया, बेचो 15 रुपये में, बस ये अपना एक एक कमाल है। अनाज पकाओ, इतना डाला मैंने, एक मन डाला है, मुझे 100 मन चाहिए, धरती माता ने दिया है। और इंसान जब पृथ्वी पर धरत जन्म लेता है, तब से लेके जब तक मरता है तब तक इसके ऊपर भार है, अपना ये झेलती है बोझ, धरती माता अपना बोझ झेलती है, लेकिन आज तक उनको कभी भी अपने किसी का, ये धरती माता का ऋण हम कभी भी नहीं चुका पाते किसी भी तरह से। और ये पारंपरिक तरीके ऐसा है, अभी रास्ते में आ रहे थे और बीच में 80 पैसे से बात हो रही थी, तो कुछ 80 पैर ने बताया मुझे कि धरती माता को, पृथ्वी को रत्न गर्भा बोला जाता है। मुझे मालूम नहीं था, इस शब्द मेरे लिए नया था, बोले रत्न गर्भा बोलते हैं, इसके अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ है, बराबर। और ये साइंस है जो है अर्थ से जुड़ा हुआ है, तो अंदर जो गर्भ में है धरती के अंदर जो चाहिए उसको, जो सप्लीमेंट की वो डाल दो, अंदर से अपने को ऊर्जा मिलेगी और अपना धरती माता का ऋण भी पूरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और मैं असलम भाई का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू।